काम तो कुछ हुआ नहीं है, चाय पहले चाहिए, चाय बना दो भाभी साहब। डालो डालो और डालो, डरो मत, मैं खड़ी हूँ। देखो अब कलर बनवाया, अब जाके काम शुरू होगा, और पहले कह रहे चाय पिला दो। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुकबुक पे और मेरे किचन में। तो ऑलवेज किचन में बन रहे हैं, सुबह नाश्ते में बन गए थे ब्रेड रोल, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, थोड़ी व्यस्त हूँ। तो सुबह मैं थोड़ी व्यस्त थी तो ब्रेड रोल बना दिए थे राधिका ने, आज उसकी छुट्टी है और संडे भी है। तो और मैं आप बना रही हूँ छोले, भिगा दिए थे रात को, बॉयल करके रख दिए। तो छोले भटूरे बनाने का प्लान है, जैसे कि सभी को बेहद पसंद आते हैं भटूरे का आटा, जो मैदा होता है वो गूंद के रख दिया भटूरे बनाने के लिए, थोड़ा सा खमीर हो जाएगा इसके अंदर जो अच्छे बनते भटूरे, दही डाल के, थोड़ा नमक और थोड़ी सी सूजी भी मिला दी, क्रिस्प आ जाता है। तो और अब मैं ये मसाला बना रही हूँ छोले का। तो छोले बनाने के लिए, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि छोले भटूरे डोसे वगैरह छुट्टी के दिन कुछ ना कुछ बन जाता है, और साथ ही साथ घर की साफ सफाई अंदर की तो सारी हो चुकी है, सब अलमारियां वगैरह पर्दे वर्दे सब कवर वगैरह धुल चुके हैं, अब हो रही है बाहर की सफाई। तो थोड़े दिन हमने मतलब कारीगर वगैरह जैसे इधर उधर लगे रहते हैं तो उनको बुलाया था, तो थोड़ा सा लेट आए वो, अब हमारा बाहर का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चौक हमारे जो पुराना है चौक, उसकी पोताई हो रही है, तो देखते हैं चौक एकदम से नया जैसा हो जाएगा, बारिश में बहुत गंदे हो जाते हैं जैसा घर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चौक हमारा पोताई हो रही है, कलर हो गया पूरे चौक में, ये देखिए एक जगह वो ऊपर चढ़े हैं और एक इधर नीचे कर रहे हैं, तो पूरे चौक एकदम नया नया हो जाएगा, बारिश में जैसे थोड़ा गंदा हो जाता है तो एकदम से रौनक आ जाएगी। इसी तरह से सफाई चल रही है और पीछे रानी के दरवाजे वगैरह सब से पहुँच रही है, आप देखिए इसको चमका दिए हैं दरवाजे। तो अंदर की तो सफाई हो गई थी, थोड़े दरवाजे रह गए थे वो भी साफ हो गए, और बाहर का चौक भी चमक गए। अब बाहर से भी थोड़ा जब कलर वलर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं बुलाऊंगी बागवान जी को यानी मालिक को, जो कि हमारे गमले हैं वो भी मैं पेंट कराऊंगी, क्योंकि बाहर से जब गमले वगैरह सब पेंट हो जाते तो घर बहुत ही सुंदर लगने लग जाता है, थोड़ा बारिश में जैसे गंदा हो जाता है। वैसे तो मैं बहुत साफ सफाई रखती हूँ और मुझे बहुत क्लीन रखने का शौक है एकदम से, और इसी तरह से घर का काम काज चल रहा है। तो चलिए फिर से जाती हूँ मैं किचन में, जब बाहर होगा तब भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारे चना मसाले का देखिए आप मसाला तैयार हो गया बिल्कुल, और अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें मिर्ची आपको ज़्यादा लग रही, लेकिन इसमें टमाटर भी डाले हुए, उसका भी कलर है, और कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ उससे थोड़ा सा कलर आ जाता है, और साथ में दूसरे मसाले, और अब ये जो चने हैं हमारे मतलब छोले काबुली चने बोल सकते हैं इसको आप, तो वो मैंने भिगो दिए थे और अब उबाल के रखे थे, तो वो इसमें मिक्स कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा हमारा मसाला। और जैसे ये सब्जियाँ तो थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती हैं, तो छोले और भटूरे, तो ये आप देखिए अभी थोड़ा सा पानी डाल दूँगी हल्का सा, और फिर थोड़ा इसको पकने दूँगी ताकि इसके साथ फ्लेवर आ जाएगा, और हमारे मसाला छोले यानी कि छोले हमारे काबुली चने जो भी बोल सकते हैं वो तैयार हो जाएंगे एकदम मसालेदार बढ़िया। तो हमारे छोले तैयार हो गए हैं, तो बस अब गैस ऑफ कर देंगे और भटूरे के साथ गर्मा गर्म इसका आनंद उठाएंगे, आप लोग भी उठा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, हल्का सा इसमें ग्रेवी कर लें और चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसा भी आप चाहें। बाहर का अंदर का चौक का हो गया है और यहाँ पे हो रहा है कलर, आप देख सकते हैं बाहर के वरंडे में, उधर उस वाले वरंडे में, और अभी ऊपर और सब जगह बाकी है, इधर पिलर वगैरह ये सब करवाऊँगी मैं। दिवाली में कारीगर और सब घर पे आए हुए, दूसरा दिन है, मम्मी क्या कहना चाहेंगे, मम्मी अभी फ्रूट्स वगैरह कट कर रही है। कारीगरों से शांति से तो मैंने अंदर इतनी सफाई करी है, पूरा इतना बड़ा घर इतने शांति से अमेर दिया, और वो कारीगर भाई इतना माथा खाते है ना, बाहर का हमारे कलर है कई तरह के, उसको मिक्स करके हमेशा मैं बताती हूँ, लेकिन इनको कितना बताना पड़ता है, एक तो वो ऐसा है की उसका हाथ ही कैसा ही चलता है, उससे अच्छा तो मैं कर दूं, मन होता है। मम्मी ने कहा कि तू ला दे, मैं बताती हूँ, मैं सिखाती हूँ। कभी बाल्टी दो, कभी ये दो, कितनी बाल्टियां ले ली मम्मी, छोटे छोटे इतने सारे बाल्टियां, इतना मजा खा रहे भाई,
ऐसा ना कोई, मैं तो घर का काम करते करते बीच बीच में वहां जाना पड़ता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा, मम्मी इधर देखो चेहरे पे थकान नजर आ रही है, कल से इन्होंने परेशान कर मेरे को दिया। 1 महीना हो गया घर की सफाई करते हुए, सब पर्दे धोने सफाई कर, और उसके बाद अब ये 2 दिन में मैं ज्यादा थक गई। हाँ मैं यही कह रहा हूँ आपको, जब मैंने देखा ना साफ सफाई पूरा करते हुए, इतना रेलम पेल इतना हाका उल्ला नहीं हुआ था जितना इन दोनों ने 2 दिन में कर दिया है। कैसा मम्मी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? डालो डालो और डालो, डरो मत मैं खड़ी हुई तो मुझे पता है ये सिंदूरी कलर का जादू ज्यादा नहीं आया है। देखो अब कलर बनवाया, अब जाके काम शुरू होगा, और पहले कह रहे चाय पिला दो। 3 कलर के डब्बे मिलवा दिए मैंने, अब वो कह रहा है कि कोई दूसरा आएगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्या मिला है। मैं को मुझे याद है क्या मिला है, अभी तो मेरे गमले करवाने हैं मेरे को, तो जो भी बचेगा तो मैं अभी और डब्बा मंगाऊंगी तो उसमें मिला दूंगी, वो तो मेरे गमलों में काम आ जाए। मैं कहा भाई तू परफेक्ट कलर बना, मुझे काम में परफेक्शन चाहिए, ऐसा वैसा नहीं है कि बस काम हो गया और छोड़ दिया, तो वो मैं करवा के आई हूँ, कितना काम मेरा खोटी हो गया। अब ऊपर से क्या कह रहे हैं कि चाय पिलवा दो। बनाओ बनाओ वो भी सब बनाओ। तो रंग रोगन समाप्त हो गया है, तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने ऊपर भी वाइट हो गया और इधर थोड़ा सा डार्क करा दिया, वो चितरिया सा कलर होता है उसे थोड़ा सा, क्योंकि धूप में अक्सर क्या होता है हल्का रंग कराते तो उड़ जाते हैं तो बहुत हल्का हो जाता है, तो थोड़ा डार्क कराया मैंने ये आर्च के ऊपर भी, डिज़ाइन पे इन पे और बरामदे में भी मैं थोड़ा सा येलो कलर भी डार्क रखा है क्योंकि वो उड़ के लाइट हो जाता है, तो ये सब कलरिंग हो गई है उधर भी बरामदे में उधर ऊपर, तो घर चमक गया है दिवाली के लिए। और अभी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और अभी गमले मेरे बाकी हैं, तो ये मैं बताऊँगी आपको जब बागवान जी को मैंने बोल दिया है, तो कल या परसों आके इनको भी कलर कर देंगे तो बिल्कुल से चमक जाएगा सब, तो मुझे साफ़ सफाई और एकदम से इस तरह से होता है तो बहुत अच्छा लगता है, घर एकदम नया नया सा एकदम सा अच्छा चमकने लग जाता है। तो दिवाली की जो सफाई होती है उसके बाद मुझे घर बहुत पसंद आता है कि पूरे घर की सफाई, वैसे तो मैं घर को बहुत साफ़ सुथरा है ऑलरेडी रखती हूँ, लेकिन एक बार पूरी एक एक अलमारी अंदर से बाहर से जब घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी इसी तरह से अपने घर पे दिवाली की सफाइयाँ कर रहे होंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।